हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? मैं बहुत अच्छी हूँ। आई होप आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। मैं प्रेमलता आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ आप लोगों के अपने ही चैनल मिथिला रिवाज में। आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक पेंटिंग दिखाना चाहती हूँ जो कि ललिता जी ने भेजी और मुझसे सीख रही हैं। मैं ऑनलाइन क्लासेस भी चलाती हूँ। जी हाँ, अगर आप लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो देर किस बात की, जल्दी से मुझे मेल करिए premlata.mr03@gmail.com पे और जुड़ जाइए मेरे साथ ऑनलाइन क्लासेस में और मिथिला पेंटिंग अच्छे से सीखिए मेरी तरह। तो आइए पहले ललिता जी की पेंटिंग देखते हैं। तो देखा आप लोगों ने कितना अच्छा बनाते हैं ये सारे पार्टिसिपेंट जो मेरे साथ ऑनलाइन सीख रहे हैं। तो आप भी जुड़ जाइए। और आज मैं आप लोगों को मिथिला पेंटिंग नहीं, बंगाली पेंटिंग दिखा रही हूँ जो कि मैं खुद फर्स्ट टाइम की हूँ। तो आइए देखते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले। और हाँ, पेंटिंग में जो भी मटेरियल यूज किए जाते हैं वो मैंने सारे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिया है, आप लोग इजीली परचेज कर सकते हैं। तो देर किस बात की, शुरू हो जाइए, चलिए सीखते हैं पेंटिंग। आज मैं आप लोगों को ब्लाउज पे पेंटिंग बताने वाली हूँ। ये सिल्क है, तसर सिल्क का ब्लाउज है और हमने सिर्फ इसके बाजू पे पेंटिंग बनाना है। तो ये देखिए, हम एक इंच नीचे से छोड़ देंगे और फिर इसमें हमने बॉर्डर बनाना है। तो बॉर्डर के लिए हमने 12 इंच लंबाई लिया है, 12 इंच पे हमने बॉर्डर बनाना है। तो ये देखिए, हम लाइन खींच लेंगे। सबसे पहले कलर मैं आप लोगों को नहीं बताया हूँ, कलर मैं आप लोगों को हर बार मिक्स करना बताती हूँ क्लोथ पे। तो आप लोगों को आई बटन पे लिंक मिल जाएगा, आप लोग इजिली कलर बना सकते हैं वीडियो को देख के। तो इस पे भी वही फैब्रिक कलर ही मैं यूज कर रही हूँ मीडियम के साथ मिक्स करके। तो इसमें हम 12 इंच का बॉर्डर लेंगे, लंबाई लेंगे बॉर्डर की लंबाई, और इसको हम डबल लाइन कर लेंगे ये देखिए। और इसको मैं 2 इंच का बॉर्डर रखी हूँ और ये बंगाली फिश है। ये इसमें मुझे बंगाली पेंटिंग बनानी है और मैं फर्स्ट टाइम बना रही हूँ बंगाली पेंटिंग, तो सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं क्योंकि इस बार मुझे बंगाली पेंटिंग का ही ऑर्डर आया हुआ है। तो ये देखिए, हमने इसको फिश बना रही हूँ मैं, बंगाली फिश ऐसे बनता है, मिथिला पेंटिंग का फिश नहीं है ये, बंगाली फिश है। तो ये देखिए, हमने इसके विंग बना लेने हैं ऐसे, एक ही दोनों तरफ से एक ही विंग्स बनेगा एक एक। तो ये देखिए ऐसे बन जाएगा ये, और इसमें हमने ये लाइनिंग करनी है थोड़ी थोड़ी दूर पे, और सेम हमने और इसमें हमने सेम गैपिंग रखनी है लाइनों के बीच। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये इसके नीचे छोटा छोटा सर्कल बनाएंगे। ये देखिए, जितना दूर हमारा पूंछ है नीचे का उतने दूर में हमने छोटा छोटा सर्कल बनाना है। ये देखिए, छोटा छोटा सर्कल बनाना है हमने, और उसमें बस थोड़ा सा गैपिंग रख के, हमने इसमें गैपिंग नहीं रखना है ज्यादा। ऐसे ही हम पूरे बॉर्डर में हम फिश बना लेंगे। ये देखिए, ऐसे ही हम पूछ बनाएंगे थोड़ा सा ऐसे, और इसको हम डबल लाइन कर देंगे फिश की। हमने डबल लाइनिंग नहीं करनी है, बस विंग्स की करनी है, और ये ऊपर मौत को जो हमने शेप दिया है उसको डबल लाइनिंग करनी है, और ऐसी विंग्स बना लेंगे। ऐसे ही हम सारे में बॉर्डर बना लेंगे। और ये देखिए, हमने खाली स्पेस को भरने के लिए बस मोटा काम हमने करना है, इसमें बारीक काम हमने नहीं करना है। तो ये देखिए, पानी जैसे हम डालते हैं मिथिला पेंटिंग में वैसे ही डाल देंगे, लेकिन हम इसमें बारीक काम नहीं करेंगे, दूरी रखेंगे, और इसको हम पूछ को हम कचनी कर देंगे। बस पूछ को हमने कचनी करना है और किसी को कचनी नहीं करना है। तो ये देखिए, हमने ऐसे ही सारे पूछ को कचनी कर देना है। ये देखिए, सभी को हमने कचनी कर देना, और जो भी खाली स्पेस है उसमें हम पानी से ऐसे ही मोटा मोटा कर देंगे कि खाली स्पेस ज्यादा ना दिखे, और हमें बारीकी भी नहीं रखना है, बारीक भी नहीं काम करना है, मोटा मोटा ही काम करना है।
तो ये देखिए ऐसे हम कर लेंगे। और यहाँ पे हमें बंगाली लेडी बनानी है, तो मिथिला पेंटिंग में हमने सर्कल में बनाना होता है बंगाली लेडी, लेकिन इसमें जो है हमने सर्कल में नहीं बनाना है, थोड़ा सा चौकोर टाइप का कह सकते हैं आप ये बनाना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले आईज बना लेंगे, ये आईब्रो और नोज बना लेंगे, उसके बाद हम आईज बनाएंगे, उसके बाद हम फेस का जो है वो सर्कल बनाएंगे। ये देखिए क्योंकि आईज थोड़ा सा हमारा फेस से बाहर रहेगा, मिथिला पेंटिंग में पहले सर्कल बनाते हैं फिर आईज बनाते हैं, इसमें पहले हम आईब्रो और आईज बना लेंगे, उसके बाद हम फेस का आकार बनाएंगे। तो इसमें हमने सबसे पहले आईज ही बनाना है। तो ये देखिए हमारा बन गया है, और अब हम क्या करेंगे, आईज से थोड़ा सा हटा के हम ये यहाँ से चौकोर डालेंगे, ऐसी सीधा हम स्ट्रेट लाइन डालेंगे, ये देखिए सीधा लाइन डालेंगे और इसी को हम शेप देंगे फेस का। ये देखिए ऐसे हम शेप ले लेंगे, ये देखिए ऐसे ही हम शेप ले लेंगे, और इसको ऐसे हम नीचे से लेंगे, आईज के ऊपर से नहीं लेंगे क्योंकि आईज हमने बड़ा बनाना है फेस से। तो ये हम ऐसे ही कर देंगे, और यहाँ से हमने ये ले लेना है, ये देखिए हमने यहाँ से ऐसे ले लेना है। तो हमने सर्कल वाला फेस नहीं बनाना है, हमने बंगाली लेडी बनानी है। तो बंगालियों में, बंगाल की पेंटिंग ऐसी ही होती है, तो हमने ऐसे ही बनाना है, ये देखिए। और यहाँ से हम ये ईयर ले लेंगे, यहाँ पे हम ईयर बना लेंगे दोनों साइड से, ये देखिए यहाँ पे हम दोनों साइड से ईयर बना लेंगे, और यहाँ पे हम ये जो है थोड़ा सा बाल का शेप देंगे, बीच में हम ये मांग टीका बना देंगे, डिजाइन मांग टीका का डिजाइन बन जाएगा, और यहाँ से हम थोड़ा सा बाल अटैच करेंगे, इसको हम कलर कर देंगे। इस साइड से भी हम ऐसे ही कर लेंगे, ब्लैक कलर कर देंगे, इस साइड से भी ऐसे ही कर लेंगे, और यहाँ पे हम नथ बना देंगे, छोटा सा सर्कल बना देंगे, ये देखिए ऐसे सर्कल बना देंगे। इसका लिप्स भी हमने बहुत छोटा सा बनाना है, ये देखिए ऐसे बनाना है इसका लिप्स भी हमने, और यहाँ से हम गले का लेंगे, बिल्कुल चौड़ा सा गले का लेंगे, और यहाँ से हमने शोल्डर लेना है, और यहाँ से हमने आर्म का उठाना है, ये देखिए यहाँ से हम आर्म ले लेंगे, ये देखिए यहाँ से हम थोड़ा सा ऐसे मोड़ देंगे, और इधर से भी हम ऐसे ले जाएंगे, ये देखिए ऐसे यहीं तक हमें स्टॉप कर देना है। फिर हम इस तरफ का बनाएंगे हाथ, और यहाँ से हम थंब बना लेंगे, और यहाँ से हम थोड़ा सा ऐसे फोल्ड करेंगे, और यहाँ पे हम फिंगर बना लेंगे, ये देखिए एक फिंगर ऐसे बनाएंगे, बाकी तीन फिंगर जो है हम ऐसे बना लेंगे, ये एक, ये दो, और ये तीन ऐसे बना लेंगे। यहाँ पे हम बैंगल के लिए डाल देंगे, चूड़ियाँ डाल देंगे, और यहाँ पे हम पल्लू का लेंगे, ये देखिए पल्लू को हम नीचे की तरफ ले जाएंगे थोड़ा सा फैलाते हुए, और इसको हम नीचे लंबा खींचेंगे, और यहाँ से हम मोड़ देंगे। अब यहाँ पे दूसरा हाथ बनाएंगे, दूसरा हाथ हम एल्बो मुड़ा हुआ बनाएंगे, तो एल्बो से ही हम उठाएंगे, ये देखिए एल्बो से ही हम उठाएंगे, और इस हाथ में हम इस हाथ को हम थोड़ा सा फैला देंगे, इसमें संदेश रहेगा, बंगाली का जो संदेश रहता है मिठाई वो रहेगा थाली में। तो ये देखिए ऐसे हो जाएगा। यहाँ पे हम बाल बना देंगे, बाल को कलर कर देंगे ब्लैक कलर से, यहाँ से हम पल्लू का ले लेंगे, ये देखिए यहाँ से हम पल्लू का ले लेंगे, ये देखिए यहाँ से हम पल्लू का ले लेंगे, ये डबल लाइन कर लेंगे, और यहाँ से थोड़ा सा गैप लेके हम बॉर्डर का देंगे, और यहाँ पे कान में हम कुंडल बना लेंगे गोल गोल ही, और कोई डिजाइन नहीं बनाना। यहाँ पे नीचे हम साड़ी लेंगे, तो थोड़ा सा छोड़ के हम दोनों साइड से थोड़ा सा छोड़ के हम साड़ी का ले लेंगे, और ये देखिए यहाँ पे ये बन जाएगा, फिर ये डबल लाइन हो जाएगा, फिर थोड़ा सा छोड़ के हम बॉर्डर का ये थोड़ा सा छोड़ के दे देंगे। यहाँ पे हम पैर बनाएंगे, दो पैर बनाएंगे, तो ये देखिए ऐसे हम दो पैर बना लेंगे, यहाँ से हम लाइनिंग लेंगे, और ये देखिए थोड़ा सा ये थंब का हो गया,
दो हो गया और यहाँ से हम फिर यहाँ पर हम दूसरा पैर बनाएंगे। तो ऐसे सटा के बनाएंगे कि दूसरा पैर भी साथ में बन जाए, ये देखिए। और ऐसे ही हम थोड़ा थोड़ा करके हम ये पैर बना लेंगे, दो पैर बन गया ये। चूड़ियाँ डाल देंगे दो लाइन, ये देखिए दो लाइन इसमें भी चूड़ियाँ डाल देंगे। अब क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पे हम पल्लू लेंगे, दोनों तरफ से हम पल्लू ले लेंगे, ये देखिए नीचे की तरफ से ले जाएंगे और नीचे की पल्लू में हम अटैच कर देंगे, डबल लाइन कर देंगे पल्लू का। इस तरफ से भी हम ऐसे ही बना लेंगे, ऐसे ही हमने तीन लेडी बनाना है। अब हम येल्लो कलर इसका फेस भरेंगे, ये लाइट येल्लो है, गोल्डन येल्लो है और गोल्डन येलो से इसका फेस भर देंगे, हाथ वाथ भर देंगे और इसमें साड़ी भरेंगे। गोल्डन येलो से हम इसमें साड़ी भर देंगे। और ये जो है, ये जो कलर बनाई हूँ मैं, ये ऑरेंज और थोड़ा सा ब्लैक मिक्स करके ये कलर बनाया है, और उसी कलर से ये बॉर्डर बना देंगे, भर देंगे हम बॉर्डर को, ये देखिए बॉर्डर को भर देंगे। और फिर हम ऑरेंज कलर लेंगे, ऑरेंज कलर से इसकी साड़ी भरेंगे और ऑरेंज कलर से एक एक फिश भर देंगे, ये देखिए एक एक फिश भर देंगे। अब हम ग्रीन कलर लेंगे, ग्रीन कलर से इस साड़ी को भर देंगे और ये देखिए ऐसे हमारा ये तैयार हो जाएगा। तो ऐसे देखिए कितनी प्यारी लग रही है बंगाली पेंटिंग में। और ये बैक साइड के लिए हमने ये स्ट्रिप बनाई हूँ, ये बॉर्डर बना है सिर्फ, ये बैक साइड में यूज होगा।